हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय माता दी। सो गाइस, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी? करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो यहाँ पे हमारे यहाँ दिल्ली में गाइस सर्दी हल्की सी सुबह वाली शुरू हो चुकी है, और यहाँ पे हस्बैंड जी को देख सकते हैं आप लोग ऊपर से नीचे कंबल ओढ़ के। हाय, और तेज बोलिए, इसमें वीडियो में आवाज धीरे आती है। हेलो। और हालचाल नहीं पूछेंगे? ठंडा लग रहा है, ठंडी लग रही है गाइस। पूछिए कि आप लोग क्या ठंडी लग रही है कि नहीं? सबको लगती होगी, जहाँ ठंडी पड़ती होगी उस जगह पर ठंडी लगती होगी, है ना गाइस? आप लोग को ठंडी लगती है कि नहीं, ये से पूछ रहे हैं मेरे हसन जी। बताइए, चाय कैसी लग रही है? ठंडी में गाइस चाय का मजा लेना है, कुछ अलग होता है। और मैं अब चलती हूँ किचन में, तो आज तो बाबू की छोटी है, तो इसके लिए इन्होंने पनीर लाया था रात में, तो मैं बनाने वाली हूँ पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी। और दीक्षा ने आटा लगा दिया था, चलते हैं किचन में बनाते हैं पनीर। हे गाइस, तो हम लोग के तो करवा चौथ नहीं होता है, पर आप सभी क्या होता होगा ना, उसके लिए आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं गए, ढेर सारी शुभकामनाएं। और बताइएगा आपका व्रत कैसा गया? तो मैं पनीर की सब्जी बनाने के लिए, देखिए यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने, और इसमें दीक्षा ने ग्रेवी बना दिया था, तो अब सब्जी बनाना मैं शुरू कर लेती हूँ। हे गाइस, तो यहाँ पे मैं पनीर की सब्जी बनाने लग गई थी, तो देखिए मेरी सब्जी बन गई है। हमारी सब्जी बन के रेडी हो चुकी है पनीर वाली। तो आज मैंने इसमें कलर वाला नहीं डाला था, पीला पीला लग रहा है। रात के खाने के लिए आलू बैंगन की सब्जी बन रही है, और यहाँ पे दीक्षा जी हैं और रोटी बना रही है। छोटे वाले और जी जा रहे ना है, तो उनके लिए बन रही है। और यहाँ पर मैंने आलू बैगन की सब्जी बना रही थी, कुकर में जूस वाली बनाने वाली हूँ। और इसके बाद हम लोग तैयार होंगे, जाएंगे भागवत में। और ये भी साड़ी पहनेगी गए, तो मैं भी पहनूंगी, और दोनों लोग जाएंगे भागवत में। तुम ये भागवत खत्म हो रहे, आज भागवत का तीसरा दिन है, हम लोग को आपको वहाँ का वीडियो दिखाएंगे। पुरुष आकर कह देगा कि सुखदेव ने काम को जीता है, क्रोध को जीता है, ये भागवत सुनने के अधिकारी हैं, तो सबको विश्वास हो जाएगा। तब आगे श्री वेद व्यास जी महाराज ने जाकर सुखदेव भगवान को महाराज जनक के यहाँ भेजा कि आप जनक के यहाँ जाइए। अरे सुखदेव भगवान राजा जनक के दरबार में पहुंचे, और राजा जनक ने सुखदेव भगवान की परीक्षा ली, काम पर क्रोध पर विजय पा ली है। और यही भागवत कथा जो आप श्रवण कर रहे हैं, आदरणीय श्री वेद व्यास जी महाराज ने सर्वप्रथम भगवान सुखदेव को श्रवण कराई, और सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई, जिनको 7 दिन में मरने का श्राप मिला। और भागवत कथा सुनकर आदरणीय परीक्षित जी महाराज को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इतनी कथा आदरणीय सूर्य जी महाराज ने सौंकादिक ऋषियों को श्रवण कर, तो सौंकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज आपने सुखदेव भगवान के बारे में बता दिया, भागवत का प्रागट्य कैसे हुआ इसके बारे में बता दिया, लेकिन परीक्षित के बारे में हम जानना चाहते हैं, आप हमें परीक्षित के बारे में बताइए कि परीक्षित कौन है, परीक्षित का प्रागट्य कैसे हुआ, और परीक्षित के बारे में हमने सुना है कि बड़े ही त्यागी महात्मा थे, लेकिन एक इतना भगवान का जो भक्त है उसके जीवन में इतना बड़ा श्राप आकर कैसे लगा, एक ऋषि का श्राप कैसे मिला, ये कथा हम सुनना चाहते हैं। कृपया आप हमें परीक्षित का चरित्र श्रवण कराइए। तो महाराज, आदरणीय श्री शूद जी महाराज ने सौंकादिक ऋषियों को राजा परीक्षित की कथा श्रवण कराई है, तो आइए हम लोग
श्री परीक्षित जी महाराज की कथा श्रवण करेंगे। 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, उपरांत हम कथा में आगे बढ़ेंगे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण शिवा के बिहारी नाम की जय हो। जय जय राधा रमण हरि हो। जय जय राधा रमण हरि हो। कथा सुनाई और सुखदेव भगवान का जन्म हो गया तो फिर परीक्षित का जन्म कैसे हुआ? कल भी हम मांगने के बारे में ही बात कर रहे थे कि भगवान से क्या मांगना चाहिए। आप तो कहोगे देवी जी भी कह रहे दुखी मांगी, अरे इतना जीवन में दुख कम है क्या? इतना दुख कम है कि आए दिन कोई ना कोई नई समस्या आती ही रहती है, तो इस समस्या का समाधान तो माता कुंती ने बता दिया। और माता कुंती ने निवेदन किया है भगवान के चरणों में, आइए हम भी 2 मिनट निवेदन करते हुए आगे की कथा प्रसंग करें। बोले बाके बिहारी नारी हवाए तेरा जीवन है तेरे हवाए, मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले। नाम सुंदर सुंदरिया हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले। नाम सुंदर सुंदरिया पहुंचे और समीक मुनि का अपमान हो गया। समीक मुनि के बेटा ने संगी पे श्राप दे दिया कि आपने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, यही सर्प आज के 7वें दिन आपको दश लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। पता चला राजा परीक्षित को तो दुख नहीं हुआ बल्कि मन को थोड़ा सा शांति मिली। क्यों? मैंने अपराध किया है इसलिए उस ऋषि पुत्र ने मुझे दंड दिया है, कोई बात नहीं। शरीर से महात्मा का अपराध हुआ, जिस शरीर से एक ऋषि का
का अपराध हुआ, अब हमारा कुछ नहीं मानते, अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम किसी को कुछ भी बोले, कोई भी महात्मा आए, कोई भी संत आए, कोई भी भक्त आए, वाणी तो इतनी अपवित्र हो गई है महाराज कि हाथ में तलवार लेने की जरूरत ही नहीं, वाणी ही तलवार और ये सब अपराध है। आपको लगता है कि वाणी के द्वारा ही सबसे ज्यादा अपराध होगा, इसलिए कहा ऐसी वाणी बोलिए मन का और आपको शीतल करे, आपको शीतल बोलिए। और आज महाराज परीक्षित को श्राप मिला तो दुखी नहीं सुखी, और संतों के आश्रम में गृहस्थ त्याग दिया और पहुंचे ऋषियों के आश्रम में जा रहे हैं कि मुझे 7 दिन में मैं मर जाऊंगा, मेरी मुक्ति का कोई उपाय बता रहे। लेकिन कोई भी ऋषि, कोई भी साधु, कोई भी संत ये तय नहीं कर पाया कि 7 दिन में मर जलेन शीतले कर्णम शीतलेतम जगद्माता शीतलेतम जगत्पिता शीतलेतम जगद्धात्री शीतले व्यास भगवान की जय हो। परीक्षित महाराज की जय हो। मैया की जय हो। भगवान की जय हो। शिरोमणि हनुमंत लाल कौन बोल बन जाता है और यहाँ से गाइज हमारी लाइन लग गई थी प्रसाद के लिए, क्योंकि बहुत लोग थे ना तो सबको लाइन में ही प्रसाद दिया जा रहा था। और कहीं भी पूजा भागवत कथा कुछ में भी जाइए तो बिना प्रसाद लिए नहीं जाया जाता है, तो हम लोग देखा भाभी और मुझे लाइन में लगना पड़ा, इसके बाद प्रसाद मिलेगा। और दीक्षा बना रही थी हमारी वीडियो, तो हम लोग यहाँ प्रसाद के लिए लाइन में आ गए। तो हम लोग घर आ गए थे, घर आने के बाद मैंने अपने हस्बैंड जी को खाना वगैरह दे दिया और अब मैं खा रही हूँ खाना। तो खाने में है आलू बैंगन की सब्जी, रोटी और चावल। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी खा रहे हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, चैनल कमेंट जरूर करिएगा।